हेलो मेरे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा यूपीएससी 2023 का प्रीवियस ईयर का सीसैट क्वेश्चन, जहां पर आपको एक सवाल दिया गया था नंबर सिस्टम के थ्रू। सवाल में ये था कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 57242, यानी एक नंबर है बेटा और उसको एक मल्टीप्लीकेशन पावर में दिया गया 9 × 7 × 5 × 3 × 1, राइट। अब आपसे पूछा गया कि आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा जब मैं इस पूरे नंबर को सॉल्व करूंगा विद पावर। अच्छा, हम लोग अब कर क्या रहे हैं, अब एक चीज़ समझो, हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। तो क्या मुझे कोई भी नंबर हो तो मुझे सिर्फ उसका देखना क्या है, यूनिट डिजिट, यानी कि ये हमारा जो बेस नंबर है, ये जो हमारा बेस नंबर है सर, क्या मुझे 4 तक, यानी कि 5724 तक क्या मुझे कोई रेफरेंस में देगा? सर कोई रेफरेंस नहीं देगा, क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब है ही नहीं। यानी कि अगर मैं यूनिट डिजिट निकालता हूँ तो मैं किसी भी नंबर का सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखूंगा और उसका पावर के साथ उसका टैली करूंगा। यानी कि ये नंबर सिर्फ बचेगा कितना, यानी कि ये नंबर रेस्ट अब बचेगा कितना बेटा, तो 2 × 9 × 7 × 5 × 3 × 1, राइट। अब देखो, अब काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, अब इसको पूरा को मल्टीप्लाई करके साइक्लिसिटी ऑफ 4 यानी कि 4 से उसको डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर कितना आएगा वो आप उसको एंटिसिपेट करके 2 × 5 के साथ हम लोग नंबर रिजल्ट निकाल लेते हैं। लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे बेटा, रिमाइंडर थ्योरम। मुझे इतना बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके बहुत काफ़ी टाइम भी लगेगा और श्योर भी हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन हम रिमाइंडर थ्योरम से काफ़ी ये सवाल को आसानी से और विद सिस्टमैटिक वे हम लोग कर भी सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं 9 × 7 है, अब मैं इस 5 × 3 × 1 को 5 × 3 × 1 को मैं 15 ले सकता हूं। चलिए, अब ये नंबर क्या हुआ, 9 × 7 × 15, राइट। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइक्लिसिटी ऑफ 4 में हम लोग 4 से किसी भी पावर को डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर को अब टैली करते हैं फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, राइट। अब मैं इसको भी डिवाइड करूंगा 4 से, अब मैं इसको भी डिवाइड करूंगा 4 से, राइट। सर आप सोचोगे बोल रहे थे कि सर हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं बेटा, अब देखो, अब मैं इंडिविजुअल में रिजल्ट देखूंगा 4 का, मैं बाकी न्यूमरेटर के नंबर से। आप एक बात सोचो, 9 4 के टेबल में किसके सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे, तो 8 से नियरेस्ट पॉइंट पे, यानी कि अगर 9 को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ बेटा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा बेटा, 1, राइट। अगर मैं 7 को इंडिविजुअल अगर 4 से डिवाइड करता हूँ बेटा, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। अगर मैं 15 को 4 से डिवाइड करता हूँ बेटा, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा बेटा। अब यहाँ पर करना क्या, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, यानी कि 3 × 3 × 1, यानी कि 9 आ गया बेटा। अब ये 9 ये पावर के अकॉर्डिंग चलेगा इसका यूनिट डिजिट के लिए, यानी कि ये अब टैली किसके होगी बेटा, 2 × 9। अब यहाँ पर आप लोग आराम से नेक्स्ट प्रोसेस में फिर से आप साइकिल ऑफ 4 चलाएंगे, तो 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ बेटा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, और इस सवाल का आंसर 2 × 1, यानी कि 2 ही इस सवाल का आंसर होगा, 2 ही इस सवाल का आंसर होगा। यानी कि इस मेथड से आप नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम या फॉर्मेट थ्योरम से जब आप क्वेश्चंस को बनाते हो तो काफ़ी आसानी से ये सब सवाल आप 1 या 2 स्टेप में आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह के सवाल को डेली प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेस्ट और अपने टेस्ट को फॉर्मेट को चेक करना पड़ता है, ताकि आप अपने लूप्स हो, यानी कि कहाँ आप किस चीज़ पे आपको फंसना है या किस चीज़ में आपको दिक्कत हो रहा है, ताकि आप वहाँ से जल्दी से आसानी से निकल जाए। तो बेटा वो हेल्प कैसे होता है, वो हेल्प होता है एक सही मेंटोरशिप से। तो आप जल्दी से हमारे एडुक्रेट IAS, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस दे रहे हो इस साल, तो हमारा टेस्ट सीरीज, आकलन टेस्ट सीरीज, एडुक्रेट का आकलन टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है, अभी गोइंग ऑन है, तो आप इसे जुड़ सकते हैं आकलन टेस्ट सीरीज से। और काफ़ी बच्चे यहाँ पर सफलतापूर्वक अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं और अपने नंबर्स को सुधार भी रहे हैं बेटा, तो आप बिल्कुल आके जुड़ सकते हैं। और नीचे गए दिए गए मोबाइल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ताकि मुझे आकलन के बारे अगर आपको डाउट हो और आपको कुछ पता करना हो या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपके सफलता के लिए पूरे ही एडुक्रेट फैमिली की तरफ से ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।